भारत की धरती को ऋषि मुनि सिद्ध और देवताओं की भूमि पुकारा जाता है। यह कई तरह के विलक्षण ज्ञान व चमत्कारों से अटी पड़ी है। सनातन धर्म वेद को मानता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेद में छिपे इस गुण ज्ञान व विज्ञान को ही जानकर हजारों साल पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर करने के साथ कई आविष्कार किए व युक्तियां बताईं। ऐसे विलक्षण ज्ञान के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होता है। नमस्कार दर्शकों, प्रभु सीरीज पर आपका स्वागत है। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कई ऋषि मुनियों ने तो वेदों की मंत्र शक्ति को कठोर योग व तपोबल से साधकर ऐसे अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया कि बड़े बड़े राजवंश व महाबली राजाओं को भी झुकना पड़ा। जानिए ऐसे ही असाधारण या यूं कहें कि प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि मुनियों द्वारा किए आविष्कार व उनके द्वारा उजागर रहस्यों को, जिनसे आप भी अब तक अनजान होंगे। महर्षि दधीची, ये महातपोबली और शिव भक्त ऋषि थे। इन्होंने संसार के लिए कल्याण व त्याग की भावना रख वृत्तासुर का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों को दान कर दिया, जिसकी वजह से महर्षि दधीची बड़े पूजनीय हुए। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि एक बार देवराज इंद्र की सभा में देवगुरु बृहस्पति आए। अहंकार से चूर इंद्र गुरु बृहस्पति के सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर चले गए। देवताओं को विश्वरूप को अपना गुरु बनाकर काम चलाना पड़ा, किंतु विश्वरूप देवताओं से छिपकर असुरों को भी यज्ञ दे देता था। इंद्र ने उस पर क्रोधित होकर उसका सिर काट दिया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए महाबली वृत्रासुर को पैदा किया। वृत्रासुर के भय से इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर देवताओं के साथ इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मदेव ने वृत्रासुर को मारने के लिए अस्थियों के वज्र का वर्णन किया और वह शक्ति वज्र बनाने के लिए देवराज इंद्र को महातपोबली महर्षि दधीची के पास उनकी अस्थियों को मांगने के लिए भेजा। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करते हुए तीनों लोकों की भलाई के लिए उनकी हड्डियां मांगी। महर्षि दधीची ने संसार के कल्याण के लिए अपना शरीर दान कर दिया। महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र बना और वृत्रासुर मारा गया। इस तरह एक महान ऋषि के अतुलनीय त्याग से देवराज इंद्र बचे और तीनों लोग सुखी हो गए। आचार्य कड़ाद। कड़ाद परमाणु शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले आचार्य कड़ाद ने यह रहस्य उजागर किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। भास्कराचार्य। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने उजागर किया। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। आचार्य चरक। चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ रचने वाले आचार्य चरक आयुर्वेद विशेषज्ञ व त्वचा चिकित्सक भी बताए गए हैं। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की है। आज के दौर की सबसे ज्यादा होने वाली डायबिटीज, हृदय रोग व क्षय रोग जैसी बीमारियों के निदान व उपचार की जानकारी बरसों पहले ही उजागर कर दी। भारद्वाज। आधुनिक विज्ञान के मुताबिक राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार किया। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक कई सदियों पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह व एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रहस्य उजागर किए। इस तरह ऋषि भारद्वाज को वायुयान का आविष्कारक भी माना जाता है। कर्ण।
वैदिक कालीन ऋषियों में कण्व का नाम प्रमुख है। इनके आश्रम में ही राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। माना जाता है कि उसके नाम पर देश का नाम भारत हुआ। सौम्यज्ञ परंपरा भी कण्व की देन ही मानी जाती है। कपिल मुनि भगवान विष्णु का पांचवा अवतार माने जाते हैं। इनके पिता कर्दम ऋषि थे। इनकी माता देवहूति ने विष्णु के समान पुत्र चाहा, इसीलिए भगवान विष्णु खुद उनके गर्भ से पैदा हुए। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इससे जुड़ा प्रसंग है कि जब उनके पति कर्दम सन्यासी बन जंगल में जाने लगे तो देवहूति ने खुद अकेले रह जाने की स्थिति पर दुख जताया। इस पर ऋषि कर्दम ने देवहूति को इस बारे में पुत्र से ज्ञान मिलने की बात कही। वक्त आने पर कपिल मुनि ने जो ज्ञान माता को दिया वही सांख्य दर्शन कहलाता है। इसी तरह पावन गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने के पीछे भी कपिल मुनि का शाप ही संसार के लिए कल्याणकारी बना। इससे जुड़ा प्रसंग है कि भगवान राम के पूर्वज राजा सगर के द्वारा किए गए यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम के करीब छोड़ दिया। तब घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। इससे कुपित होकर मुनि ने राजा सगर के सभी पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। बाद के कालों में राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर स्वर्ग से गंगा को जमीन पर उतारा और पूर्वजों को शाप मुक्त किया। पतंजलि आधुनिक दौर में जानलेवा बीमारियों में एक कैंसर या कर्क रोग का आज उपचार संभव है, किंतु कई सदियों पहले ही ऋषि पतंजलि ने कैंसर को रोकने वाला योग शास्त्र रचकर बताया कि योग से कैंसर का भी उपचार संभव है। शौनक जी वैदिक आचार्य और ऋषि शौनक ने गुरु शिष्य परंपरा व संस्कारों को इतना फैलाया कि उन्हें 10,000 शिष्यों वाले गुरुकुल का कुलपति होने का गौरव मिला। शिष्यों की यह तादाद कई आधुनिक विश्वविद्यालयों की तुलना में भी कहीं ज्यादा थी। महर्षि सुश्रुत ये शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक सर्जन माने जाते हैं। वे शल्य कर्म या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में कई अहम ज्ञान विस्तार से बताया है। इनमें सुई चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज्यादा शल्य चिकित्सा में जरूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं व उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 सदी पहले की है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद पथरी हड्डी टूटना जैसी पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्य कर्म यानी ऑपरेशन करने में माहिर थे। यही नहीं वे त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी करते थे। वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ के कुलगुरु थे। दशरथ के चारों पुत्रों राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न ने इनसे ही शिक्षा पाई। देव प्राणी व मनचाहा वर देने वाली कामधेनु गाय वशिष्ठ ऋषि के पास ही थी। विश्वामित्र ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए हुए युद्ध में मिली हार के बाद तपस्वी हो गए। विश्वामित्र ने भगवान शिव से अस्त्र विद्या पाई। इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल प्रणाली हजारों साल पहले विश्वामित्र ने ही खोजी थी। ऋषि विश्वामित्र ही ब्रह्म गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। विश्वामित्र का अप्सरा मेनका पर मोहित होकर तपस्या भंग होना भी प्रसिद्ध है। शरीर सहित त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का चमत्कार भी विश्वामित्र ने तपोबल से कर दिखाया। महर्षि अगस्त्य वैदिक मान्यता के मुताबिक मित्र और वरुण देवताओं का दिव्य तेज यज्ञ कलश में मिलने से उसी कलश के बीच से
तेजस्वी महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। महर्षि अगस्त्य घोर तपस्वी थे। उनके तपोबल से जुड़ी पौराणिक कथा है कि एक बार जब समुद्री राक्षसों से प्रताड़ित होकर देवता महर्षि अगस्त्य के पास सहायता के लिए पहुंचे, तो महर्षि ने देवताओं के दुख को दूर करने के लिए समुद्र का सारा जल पी लिया। इससे सारे राक्षसों का अंत हुआ। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वह पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि क्षय होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी, पूर्णिमा 14वें दिन आ गई और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति पर नतीजे गर्ग मुनि जी ने पहले बता दिए थे। बौद्धयन भारतीय त्रिकोणमितिज्ञ के रूप में माने जाते हैं। कई सदियों पहले ही तरह तरह के आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाने के त्रिकोणमितीय रचना पद्धति बौद्धयन ने खोजी। दो समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में बदलना, इस तरह के कई मुश्किल सवालों का जवाब बौद्धयन ने आसान बनाया। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।